आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एक्सेल फॉर्मूले में टैक्स कैटेगरी के फॉर्मूले के बारे में कि टैक्स कैटेगरी का फॉर्मूले का यूज है। आज हम इसी चीज पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो जैसे कि टैक्स कैटेगरी में अगर आप आते हैं फॉर्मूला वार में, तो आपको ये हाँ टैक्स कैटेगरी के फॉर्मूले दिख रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले टैक्स कैटेगरी के हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके यहाँ पे बैटेक्स दिख रहा है। बैटेक्स फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता है, लेकिन इसका करता क्या है, चलिए ये समझा देता हूँ। ए नंबर को थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आप बोलेंगे कि कैसे पता चला आपको लैंग्वेज आता है? मैंने इसको गूगल के ट्रांसलेटर पे डाला था बहुत पहले, जब मैं इसकी क्यूरियोसिटी थी तो मुझे पता चला था। देखिए थाई लैंग्वेज है ना, गया 120 बात। तो ये इंडिया में इसका यूज नहीं होता, लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज करना है उसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। वो वीवी प्रोग्रामिंग का मदद लेते हैं, वो आपको हम लास्ट क्लास अगले क्लास मतलब कि क्लास में समझा देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कैर एंड कोड के दो फॉर्मूले हैं। जैसे किसी भी करेक्टर को अगर आप कोड फॉर्मूले में लगाते हैं, तो उसकी जो स्काई वैल्यू है, जो कोड है, वो कोड आपको यहाँ पे दिख जाती है। और वापस हम कैर का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एक करेक्टर में वापस कन्वर्ट हो जाती है। इसके बारे में भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका बेनिफिट क्या है। उससे पहले मान लीजिए कि हम कुछ नाम लिखते हैं या कुछ डेटा हम कहीं से कॉपी करते हैं, तो उसके बीच में या स्टार्टिंग में या एंड में अनवांटेड स्पेस होता है। इस अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने का काम करती है ट्रिम। याद रखिएगा, ट्रिम स्पेस को रिमूव नहीं करती है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करती है। जैसे यहां देखिए, सुजीत और कुमार के बीच में एक स्पेस रहने दिया और बाकी स्पेस उन्होंने हटा दिया। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने रैप टेक्स कर देते हैं, सुजीत ऑल्ट एंटर एंड कुमार हमने कर दिया। अगर आप इसमें ट्रिम लगा रहे हो तो क्या होगा, सुजीत कुमार दिख रहा है। अब मैंने लेन का फॉर्मूला लगाया। लेन का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल के अंदर कितने टेक्स्ट है, कितने कैरेक्टर है, एक काउंट करके आपको देता है। इसने काउंट करके हमें दिया 12, मतलब कि इसकी लेंथ जो है 12 है। लेकिन आप मैनुअली काउंट करिए तो सुजीत 6 और कुमार 5, कुमार हुए हैं तो 11 हो रहे हैं। एक करेक्टर कौन सा है, हालांकि विंडो 10 है, लेकिन अगर एक्सपी होता आपके विंडो में सिस्टम में, तो आप देखते टी और के बीच में एक बॉक्स के अंदर क्वेश्चन मार्क होता है। इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर, मतलब कि के और टी और के बीच में एक ऐसा करेक्टर है जो कि प्रिंटेबल नहीं है, फिर भी वो वजूद में है। ऐसे करेक्टर को हम रिमूव करते हैं क्लीन से। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोड ट्रीम करें तो ट्रीम के साथ क्लीन जरूर करें। अब देखिए, अब लेन फॉर्मूले से किसने इसको रिमूव कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा रिजल्ट से हमारा दो वैल्यू सेम होता है, लेकिन उस पे लॉजिक नहीं लगता है। उसको हम बराबर करना चाहते हैं तो बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरह की नॉन प्रिंटेबल करेक्टर होती है। समझ में आ गया दीपक जी एंड भुवन जी? जी इसलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि यार इसने तो स्पेस रिमूव कर दिया, कोई सेपरेटर नहीं है, मुझे सेपरेटर दे देना चाहिए था।
मतलब कि मैं चाहता हूं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को स्पेस में रिप्लेस करना। मतलब कि अब हम चाहते हैं कि किसी भी, हम चाहते हैं कि किसी भी फाइल, किसी भी सेल वैल्यू में किसी भी करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर से रिप्लेस करना। तो उसके लिए दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट हमने इसको सिलेक्ट किया, ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो ओल्ड टेक्स्ट है हमारे पास डॉट, क्या करना है तो डैश। अब इसके आगे इंस्टेंस नंबर आपको दिख रहा है, आप नौ डालते हैं तो जितने भी डॉट है सबको डैश कर देगा। लेकिन मुझे पहला डॉट ही करना है, तो लास्ट में इंस्टेंस नंबर है उसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये पहला डॉट को ही किया। इंस्टेंस नंबर में अगर मैं टू कर देता हूं तो दूसरा करता है, वन कर देता हूं तो पहला करता है। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग कि कौन सा नंबर आप दे रहे हैं। नहीं दीजिएगा कोई नंबर तो ये पूरा कर देगा। दूसरा फॉर्मूला होता है रिप्लेस। तो रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि किसी वैल्यू के अंदर नंबर ऑफ करेक्टर के हिसाब से, हमने बोला कि चौथा करेक्टर से एक करेक्टर को स्लैश कर दीजिए। अब रिप्लेस फॉर्मूले को इससे कोई मतलब नहीं है कि चौथा करेक्टर है क्या, एक पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस करता है। तो ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूट करेक्टर के हिसाब से जितने भी करेक्टर मिलेंगे उसको अनदर करेक्टर से रिप्लेस कर देगा, लेकिन रिप्लेस फॉर्मूला पोजीशन के, कि चौथा नंबर करेक्टर को, चाहे जो भी करेक्टर हो चौथे नंबर पे होना चाहिए उसकी पोजीशन, उसको वहां से एक करेक्टर, मतलब एक ही को, अगर मैं दो कर दूं तो डैश और थ्री को रिप्लेस कर दे। तो सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस दोनों समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी। रिप्लेस वाले को एक बार दोबारा बताइएगा। रिप्लेस फॉर्मूला पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस करता है। जैसे कि मान लीजिए ना कि आपका अब मेरे पास इस तरह का डेटा है, ठीक है, मुझे इसमें से आईडी को रिप्लेस करना है, आईडी को रिप्लेस करना है। तो आईडी कुछ भी हो सकती है, इसमें सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो हमने रिप्लेस फॉर्मूला लगाया और हमने बोला कि पहले नंबर करेक्टर से चार करेक्टर को रिप्लेस कर दो इसमें ब्लैंक। ऐसा सर इसने पहले से स्टार्ट किया, चार को इसने ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया, तो पोजीशन से चलता है रिप्लेस। जी समझ में आ गया आपको? जी सर क्लियर है। चलिए तो अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊं तो क्या लगाऊं, क्योंकि तो यहां पे तो करेक्टर है, तो जाहिर सी बात है हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाएंगे। कल हमने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला को दिया, इसको सेलेक्ट किया। अब प्रॉब्लम है कि ऑल्ट एंटर टाइप कैसे करें, इन्वर्टर कमा में ऑल्ट एंटर करेंगे तो नीचे आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। अब शॉर्टकट को फॉर्मूले के अंदर टाइप भी किया जा सकता है सर, उस केस में हमें ए मदद करेगा। मतलब कि हम किसी सेल पे डबल क्लिक करके और ऑल्ट एंटर प्रेस कर देंगे तो टाइप हो गया है। हम कोड फॉर्मूले से पता करेंगे कि इसका कोड क्या है। 10 मतलब कि हम कैर फॉर्मूले में 10 को डाले तो सेम करेक्टर रिप्लेस करेगा। जैसे कि यहां पे इसका कोड ए है, अगर हमने कैर के अंदर में 65 डाला तो इसने ए को रिप्लेस किया, ए को रिप्रेजेंट किया। तो यहां हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले के अंदर में इसको सिलेक्ट करेंगे
और यहां कैन में 10 डालेंगे, कॉमा पेस्ट देंगे और एंटर मारेंगे, तो ये हमारा रिप्लेस हो गया। समझ में आया आपको? जी सर। आया समझ सर? जी। ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मूले की पहली कैटेगरी थी, आगे भी पढ़ाना, बट आप लोगों ने अभी तक इफ का कर नहीं दिया है तो प्लीज फॉर्मूले है तो आप भेज दीजिए, भुवन जी आप भी कंप्लीट करके भेज दीजिए, ठीक है? फिर इफ के भी कुछ फॉर्मूले बच्चे हमें करा देता हूँ। और कल आप लोग फ्री है? हाँ सर, कल फ्री है। कुछ नहीं, मॉर्निंग में 6 बजे नहीं, 8 बजे। मॉर्निंग में 8 बजे। कितने बजे तक क्लास रहेगा सर? सर वो डिपेंड करता है, 9 बजे, 9:30 या 10 बजे, सकता है 11 बजे। कोई नहीं सर, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, कल मॉर्निंग 8 बजे हम एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं जी, इसमें हम फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक सर। Yeah.